हम देखते हैं किरण पिस्टाचानो साम अपने प्लेस पे जाने लगते हैं। कुकू भी उनके साथ होता है। सारे गॉड्स भी अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। विश और वेजिटा भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी किरण पिस्ट को कुछ महसूस होता है। वो कहते हैं, जानुसामा क्या आपने ये महसूस किया? ये की तो बिल्कुल डीमन की तरह है। जानुसामा कहते हैं, हाँ किरण पिस्ट, मैंने भी ये महसूस किया। आखिर ये क्या हो सकता है? हमने तो वक्त से पहले उस डायमेंशन कैप को बंद कर दिया था, फिर ये किसकी की हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें से कोई डीमन बाहर आ गया? लेकिन ये की तो हमारे प्लेस की ही तरफ से आ रही है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, हमें जल्दी जाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं उसे बहुत ही तेजी से अपने प्लेस पे चले जाते हैं और वो कुछ ही समय पे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता, बस वहाँ पर थोड़ी सी तबाही नजर आती है, जिससे ये सब पता चल रहा होता है कि यहाँ पर कोई आया है। लेकिन वहाँ पर किसी का भी नामो निशान नहीं था, जिससे पता नहीं चल पा रहा था आखिर यहाँ पर कौन आया है। इसके बाद जानुसामा कहते हैं, किरण पिस्ट, आखिर यहाँ पर कौन आ सकता है और वो इस जगह को कैसे जानता है? उनके बारे में पता लगा वो एक खतरा भी हो सकता है। इसके बाद हम उन डीमंस को देखते हैं जो एक अनजान से प्लेनेट पर होते हैं, और वो डीमन और कोई नहीं आइजन लूसियन सिल्विया और कामोरी होता है, जिसे बहुत पहले जानुसामा ने कैद कर दिया था। तभी उनका सरदार जो आइजन होता है कहता है, आखिरकार हम आजाद हो गए, अब हमें कोई नहीं रोक सकता और अब हम इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब वक्त है बदला लेने का। हमने बहुत इंतजार किया है जानुसामा, हम तुम्हें खत्म कर देंगे जानुसामा, जो तुमने हमारे साथ किया है। अब वक्त है उसका हिसाब लेने का। आइजन जैसे ये कहता है, उसे एक की कमी महसूस होती है और वो कहता है, हमारे साथ तो एक और था, आखिर वो अब कहाँ गया? सुपर ड्रैगन बॉल तो हमारे पास है, फिर वो कहाँ गया? वो काफी ज्यादा ताकतवर था, अगर वो हमारे साथ होता तो हमारी काफी मदद होती और हमारा काम और भी आसान हो जाता। और उसने ये भी कहा था कि वो कॉर्ड से बहुत ही नफरत करता है और किरण पिस्ट ने ही उसे कैद कर दिया है। चलो उसे जाने भी तो वो आ ही जाएगा, वैसे भी हम उनके लिए काफी है। तभी कामोरी कहता है, आइजन, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन वो चैनो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसे हराने के लिए हमें एक प्लान बनाना होगा। अब तक उन्हें पता चल गया होगा कि हम आजाद हो चुके हैं और वो हमें ही ढूंढ रहे होंगे, पता नहीं वो कब आ जाए। लूसियन और सिल्विया कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा कामोरी, अब तक उन्हें पता चल गया होगा कि हम उस डायमेंशन कैप से बाहर आ चुके हैं। तभी आइजन भी कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा कामोरी, हमें उससे हराने के लिए एक प्लान की जरूरत होगी। वो बोना बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम सब ये भूल रहे हो कि हम सब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। और तुम सब ये भी भूल रहे हो कि सुपर ड्रैगन बॉल हमारे ही पास है, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदे की बात है। मेरे पास एक प्लान है, मैं जानता ही मुझे सुपर ड्रैगन बॉल से क्या मांगना है। और इसके बाद हम किरण पिस्ट को देखते हैं जो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उन्हें उन डीमन की महसूस हो जाती है। और किरण पिस्ट मन ही मन ये सोचते हैं, आखिर वो डीमन जानुसामा के प्लेस पर क्यों गए थे? आखिर उन्होंने वहाँ पर जाकर क्या किया? कहीं वो जानुसामा को मारने के लिए तो नहीं गए थे? किरण पिस्ट ये सोचते हुए वो उसकी की तरफ बहुत ही तेजी से चले जाते हैं जहाँ से वो महसूस हो रही थी। इसके बाद हम उन डीमन को देखते हैं जो सुपर सैलोन को बुलाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी किरण पिस्ट वहाँ पर आ जाते हैं। किरण पिस्ट को देख के सभी डीमन काफी सॉफ्ट हो जाते हैं और वो किरण पिस्ट से कहते हैं, आखिर तुम्हें कैसे पता चला? तुमने हमें इतना जल्दी कैसे ढूंढ लिया? मुझे लगता है तुमने अकेले यहाँ पर आके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। तुम यहाँ तो आ गए, लेकिन यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। किरण पिस्ट उन्हें देख कर कहते हैं, आखिर तुम लोग उस डायमेंशन कैप से बाहर कैसे आए? उन्हें तो मैंने बहुत ही पहले कैद कर दिया था। तभी किरण पिस्ट की नज़र उन सुपर ड्रैगन बॉल पे पड़ती है और वो कहते हैं, अब मैं समझा तुम जानुसामा के प्लेस पे क्यों गए थे। अरे इतनी हिम्मत की तुमने सुपर ड्रैगन बॉल चुरा लिया, इसी वजह से मैंने तुम्हें कैद कर दिया था। अभी भी नहीं सुधरे, तुम बिल्कुल वैसे ही हो, अब मैं तुम्हें पूरी तरीके से ही खत्म कर दूंगा। डीमन किरण पिस्ट की ये बात सुन के कहता है, लगता है तुम्हें ही पहले निपटाना पड़ेगा, तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो। और उसमें से एक डीमन किरण पिस्ट पे अटैक कर देता है, लेकिन किरण पिस्ट उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर देते हैं। किरण पिस्ट रिवर्स अटैक उस डीमन पे कर देते हैं। वो डीमन उस अटैक को देख भी नहीं पाता और न उसे संभाल पाता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाके गिरता है। किरण पिस्ट को ऐसा करते देख सारे डीमन हैरान होते हैं। भी उन डीमन का सरदार आइजन कहता है, मैं जानता हूँ किरण पिस्ट, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम हमें बिल्कुल नजरअंदाज मत करना। तुम हमारी ताकत से वाकिफ हो, लेकिन हम तुम्हें पहले बता देते हैं, हम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और हमने पहले के मुकाबले काफी सुधार किया है, इसीलिए हम तुम्हें कह रहे हैं तुम यहाँ से चले जाओ और हमें अपना काम करने दो, वरना तुम बेवजह ही मारे जाओगे।
और हम अपने मकसद को जरूर पूरा करेंगे, चाहे वो तुम्हें मारने के बाद ही क्यों ना हो। एनबिस डीमन की ये बात सुन के कहते हैं, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे मार दोगे? तुम सब एक डीमन हो, तुम्हें छोड़ना काफी बेवकूफी वाला काम है और तुम्हारे इरादे भी बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तुम्हें खत्म करे बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, और वो सुपर ड्रैगन बॉल मुझे दे दो, वो खेलने की चीज नहीं है और ना वो तुम जैसे डीमन के लिए बनाई गई है। अगर तुमने मुझे वो नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार के वो ले लूंगा। तभी सिविया कहती है, लॉर्ड आइजन आप यहीं रुको, मैं और कामोरी इसे संभाल लेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। जैसे ही सिल्विया ये बात कहती है, ग्रैंड प्रिंस अचानक से उसके सामने आ जाते हैं और एक जोरदार पंच सिल्विया को करते हैं, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। कामोरी ग्रैंड प्रिंस पे अपना अटैक करता है, लेकिन ग्रैंड प्रिंस उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉच कर देते हैं। ग्रैंड प्रिंस को ऐसा करते देख आइजन काफी शौक रहता है और वो कहता है, मैंने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा मुश्किल होगा, ये तो काफी ज्यादा ताकतवर है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, आखिर ये बीच में कहां से आ गया? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम जहां से आए हैं वहीं वापस जाना पड़ेगा और हम अपने मकसद में कामयाब भी नहीं हो पाएंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं वहां दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। इसके बाद हम कामोरी और सिल्विया को देखते हैं, जो ग्रैंड प्रिंस के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे थे। कामोरी कहता है, ये कहकर दोनों अपनी पावर को अप करने लगते हैं और वो अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। आइजन उन्हें देखकर कहता है, कामोरी सिल्विया जल्दी करो, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, हमारे पास और भी काम है, हम पूरा दिन ये नहीं कर सकते। आइजन की ये बात सुनकर कामोरी और सिल्विया ग्रैंड प्रिंस पे अपनी पूरी ताकत से हमला कर देते हैं और इस बार वो ग्रैंड प्रिंस को छूने में कामयाब हो जाते हैं, और इस बार ग्रैंड प्रिंस और उन डीमन की स्पीड बराबर होती है। इसके बाद वो डीमन ग्रैंड प्रिंस पे एक जोरदार पंच करते हैं, लेकिन ग्रैंड प्रिंस उनके पंच को ब्लॉक कर देते हैं। सिल्विया और कामोरी ये देख के हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, आखिर तुमने इतना ताकतवर पंच को कैसे रोक दिया? हमने तो अपनी पूरी ताकत से हमला किया था, इस हमले से तो तुम्हें कुछ ना कुछ होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें तो एक खरोंच तक नहीं आई, आखिर कैसे? ये तो नामुमकिन है, तुमने आखिर ये कैसे किया? तुमने इतना ताकतवर हमला कैसे रोक लिया? के बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, तुमने काफी ज्यादा खेल लिया, तुम्हारा वक्त अब खत्म हो गया मरने के लिए, अब तैयार हो जाओ। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस एक अटैक बनाते हैं। कामोरी और सिल्विया ये देखकर काफी घबरा जाते हैं। आइजन ये देखकर कहता है, कामोरी सिल्विया वहाँ से हट जाओ वरना मारे जाओगे, हमें यहाँ से अभी जाना होगा, हम इससे अभी नहीं लड़ सकते, अगर हमने इससे फाइट की तो हम मारे जाएंगे, मैंने अपनी पूरी ताकत नहीं पाई, अगर मैं इससे लड़ा तो मैं मारा जाऊंगा, मैं इसका सामना भी नहीं कर सकता। लेकिन हम देखते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है, ग्रैंड प्रिंस वो अटैक उन डीमंस पे कर देते हैं। आइजन कुछ नहीं कर पाता है और वो अटैक उन डीमंस को लगने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक शख्स आ जाता है और वो उस अटैक को रोक देता है। एनबिश उसे देखकर काफी शॉक रह जाते हैं और कहते हैं, आखिर तुम यहाँ पर कैसे?